यह जो हमारे सामने दृश्य है, यह दृश्य ब्रह्मेश्वर नाम का मंदिर जो कि किकेरी नाम के एक छोटे से गांव में स्थित है। यहाँ पर हम मंदिर के विमान यानी शिखर को देखते हैं और शिखर को देखकर बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि शिखर पर बिल्कुल सफाई नहीं है और बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए हैं। इस मंदिर की बाहरी दीवारें बहुत ही सुंदर हैं और उन पर बहुत ही सुंदर अलंकरण और सुंदर मूर्तियां बनी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा हमेशा से यह प्रयास रहा है कि भारत के जो प्राचीन मंदिर जिनमें बहुत कम लोग जाते हैं उनका हम अध्ययन करें और उन्हें पब्लिक डोमेन में लेकर आएं। यह हमारी यात्रा हमें मांड्या जिले में छोटी सी जगह है जिसे किकेरी कहते हैं, वहाँ पर हम एक दिन हम किकेरी पहुँचे और किकेरी में पहुँचने के बाद बड़ी मुश्किल से इस मंदिर तक हम पहुँच पाए। जब हम यहाँ पर आए तो हमने पाया कि इस मंदिर के आसपास का जो इलाका था बहुत ही सुंदर था। आसपास एक बहुत ही बड़ी झील बनी हुई थी, हरा भरा वातावरण था। इस मंदिर के पास आकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ पर हम एक ऊपर बहुत बड़े नंदी जी को पाते हैं और जब हम यहाँ पास में पहुँचे तो यहाँ पर हमें दरवाजे पर ताला लगा था, अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। दरवाजे के बीच से जब हमने देखा तो हमें देखने में यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और भव्य नजर आया। हमारा एक मित्र गांव के अंदर इस मंदिर के पुजारी के घर ढूंढने के लिए चला गया ताकि वह चाबी को पा सके। इस बीच हमने इस मंदिर के पास की जो बड़ी झील थी वहां पर आसपास चक्कर लगाने लगे और वहां पर हमें कुछ व्यक्ति मिले जो मछलियां पकड़ रहे थे। इस मंदिर के कोने में कुछ पत्थर पड़े थे तो हमने सोचा जब तक मंदिर की चाबी मिलती है तब तक इस मंदिर की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर हम इस मंदिर के कुछ फोटोग्राफ्स ले लें। यह मंदिर का एक कोने से लिया गया दृश्य है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसके आसपास बहुत ही अधिक हरियाली है। यहाँ पर तीन मंडप बने हैं, एक एंट्रेंस पर एक मंडप है और इसके बैक साइड में भी दो छोटे छोटे मंडप बने हुए हैं। यह मंदिर एक पत्थर की ऊंची दीवारी से घिरा हुआ है और एक किले का रूप देता है। इस समय हम मंदिर के पीछे के भाग से इस मंदिर को देख रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंटेनेंस की काफ़ी कमी है और मंदिर का जो शिखर है वहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे उगाए हैं। देखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी समय तक इस मंदिर का कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। इस मंदिर की बाहरी दीवारें बहुत ही सुंदर थी और उस पर महाभारत और रामायण के कुछ मूर्तियां बनी थी, गणेश जी बने थे और यहाँ पर कई हमें ऐसे पैनल मिले जिन पैनल्स में नृत्य की अलग अलग मुद्राओं में स्त्रियों को दिखाया गया था। यहाँ पर एक देवी मिली जो कि काली देवी के रूप में नजर आ रही थी और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नीचे एक हमें कुत्ता यानी कि एक डॉग नजर आता है जो कि एक मनुष्य के सिर को खाने की कोशिश कर रहा है।
थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर शंकर भगवान एक नृत्य मुद्रा में नज़र आते हैं। उनके हाथ में एक डमरू नज़र आता है। यह जो नक्काशी है बहुत ही महीन नक्काशी है और इस तरह की नक्काशी प्राय मंदिरों में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर दीवार पर जो अधिकांश मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनकी आँखों को, नाक को और चेहरे को बुरी तरह से खराब कर दिया गया है। यहाँ पर शंकर भगवान का तांडव नृत्य की मूर्ति बनाई गई है। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में हमें डमरू नजर आता है। यहीं पास में एक मुरली कृष्णा की भी मूर्ति नजर आती है। यहाँ पर हमें एक व्यक्ति नजर आता है जो देखने में विदेशी जैसा लगता है। उसका जो हेडगियर है बिल्कुल अलग है और उसने एक ट्यूनिक जैसी पोशाक पहन रखी है और यह भारतीय पोशाक बिल्कुल नहीं लगती है। इनकी मूर्ति भी काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में हमें मिली। यहाँ पर हमें नीचे गणेश जी नजर आते हैं। एक व्यक्ति वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और शायद ये शंकर भगवान हैं जिनके हाथ में एक डमरू बनाया गया है और वे नृत्य में मग्न नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ दीवारों पर सुंदर स्त्रियों को बनाया गया है। यहाँ पर एक स्त्री के हाथ में एक तोता या एक पक्षी दिखाया गया है। उन्हीं के बगल में एक दूसरी स्त्री है जो कि नृत्य की मुद्रा में दिखाई गई है। इस मंदिर की बाहर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर अलंकरण मिला। यह जो दीवारों का पत्थर है यह ऑरेंज सैंडस्टोन जैसा नजर आता है। इस मंदिर में शंकर भगवान की हमें छोटी बड़ी बहुत सारी मूर्ति मिली और बाहर की दीवारों पर बहुत सारे शेर के स्कल्पचर्स भी मिले। यह मंदिर का मुख्य द्वार है। बाईं तरफ मुख्य मंदिर है और दाईं तरफ नंदी जी का मंडप हमें नजर आता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक पत्थर रखा गया था जहाँ पर दो पद चिन्ह बने हुए थे। इन सीढ़ियों को चढ़कर हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दाईं तरफ नंदी मंडप है जिसमें नंदी जी की एक बहुत ही सुंदर काले पत्थर की मूर्ति बनाई गई है और बाईं तरफ से इस मंदिर का मुख्य एंट्रेंस है। सामने एक छोटी सी पुष्करणी है और इसके पुष्करणी के बगल में कुछ हमें हीरो स्टोन और नाग देवताओं के पत्थर नजर आते हैं। यहाँ पर एक काले पत्थर की बहुत ही सुंदर नंदी जी की मूर्ति बनी हुई है जिनके आभूषणों को बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। नंदी जी ने घंटियों की एक माला पहनी है, साथ में हम एक रुद्राक्ष की माला को भी उनके गले में देख सकते हैं। यहाँ पर यह जो कारीगरी है बहुत ही महीन, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही फाइन स्कल्पचरिंग का नमूना हमें यहाँ पर मिलता है। हमने कोशिश करी है नंदी जी के आभूषणों को पास में से एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की ताकि आप तक, आपके घरों तक बैठकर आप भारत की प्राचीन वास्तुकला और कलाकारी को अपने घर में बैठकर आसानी से देख सकते हैं। नंदी जी के शरीर पर कुछ फ्लोरल पैटर्न्स भी हमें नजर आए और उनके ऊपर जो
रस्सी बनाई गई थी। देखने में ऐसा लगता था जैसे कि यह रस्सी सचमुच की बनी हुई हो। इस नंदी जी की मूर्ति को बहुत ही लगन और प्रेम से बनाया गया है और नंदी जी के शरीर में बहुत ही सुंदर आभूषण है और उनके हर अंग को बहुत ही सुंदर तरह से सजाया गया है। इस समय हम नंदी जी के सिर को ऊपर से देख रहे हैं, उनके दो सींग भी हमें नजर आते हैं। यह परमेश्वर मंदिर का नंदी मंडप है जो कि किक्केरी नाम के गांव में मांड्या जिला कर्नाटका राज्य में स्थित है। नंदी जी के ऊपर बने हुए आभूषण बहुत ही सुंदर थे, इसलिए हमने थोड़ा अधिक समय और यहां पर लगाया क्योंकि यह एक ही पत्थर की बनी हुई बहुत ही सुंदर मूर्ति हमें लगी। जब हम सामने देखते हैं तो सामने हमें दो बड़े बड़े द्वारपाल नजर आते हैं जिनके शरीर को बहुत ही बलिष्ठ और ताकतवर दिखाया गया है। ऊपर हमें एक देव नजर आते हैं और उनके दाएं और बाएं तरफ मकरा को, जो कि एक जल जीवी है, उसको बनाया गया है। यहाँ पर द्वारपाल के शरीर को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। उनके बाएं हाथ में एक हम बहुत बड़ा सांप देखते हैं और उनके मुकुट को बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ दर्शाया गया है। उनके गले में चार अलग अलग तरह की मालाएं दिखाई गई हैं और उनके कमर में भी बहुत ही सुंदर आभूषण पहनाए गए हैं। इनके पास में दाएं हाथ में एक डंडा है जिसके ऊपर हम एक सांप को लपेटा हुआ पाते हैं। द्वारपाल के भी एक अटेंडेंट को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। बाएं तरफ के द्वारपाल भी बहुत ही सुंदर तरह से नक्काशी किए गए हैं और यह स्कल्पचर भी बहुत ही सुंदर है। यह जो द्वारपाल हैं, इनके चेहरे को काले रंग का दर्शाया गया है। मंदिर के अंदर बहुत अधिक अंधेरा था और सबसे पहले हमें चार विशाल खंभे नजर आते हैं और सामने हमें एक और नंदी जी के दर्शन होते हैं। सामने देखेंगे तो हमें सामने गर्भगृह नजर आता है, लेकिन दाएं और बाएं तरफ की जो दीवारें हैं वहां पर भी अलग अलग देवों और देवियों की मूर्ति को बनाया गया है। गर्भगृह के दाएं तरफ दो जगह थी और वहां पर भी दो छोटे छोटे मंदिरों को बनाया गया है। यहाँ पर हम एक बहुत ही सुंदर सोपस्टोन की मूर्ति को देखते हैं जिसमें बहुत ही महीन कारीगरी की गई है। यहाँ पर हम देव को देखते हैं, उनके नीचे भी हमें दो उनके अटेंडेंट्स नजर आते हैं। यह शायद विष्णु जी की मूर्ति हो सकती है, हम एग्जैक्टली नहीं जानते। हमारे दर्शक अगर इस मूर्ति के विषय में कुछ हमें बताएंगे, कमेंट्स में बताएंगे, तो हमें काफी खुशी होगी। नीचे यहाँ पर हमें गरुड़ नजर आते हैं जिससे यह पता कर पाना कि यह मूर्ति विष्णु जी की ही है आसान हो जाता है। यहीं पास में एक और सुंदर छोटा सा मंदिर नजर आता है, वहाँ पर हमें महिषासुर मर्दिनी की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति मिलती है। यहाँ पर हमें एक देवी नजर आती हैं
जिनके शरीर को बहुत सुंदर तरह से बनाया गया है और उनके पैर के नीचे एक बफेलो डेमन जिसे महिषासुर कहा जाता है उनको बनाया गया है। इनके कई हाथ दिखाए गए हैं और हर हाथ में अलग अलग तरह के औजार और यंत्रों को दर्शाया गया है। एक हाथ में चक्र भी नजर आता है, एक हाथ में घंटा है और एक हाथ में हमें भाला नजर आता है। यहाँ पर हम उस महिषासुर दानव को देखते हैं जो कि एक भैंसे के रूप में बनाया गया है। महिषासुर मर्दिनी की यह मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाई गई है। यही बगल में एक और जगह पर मुरुगन यानी कि कार्तिकेय जो कि शंकर भगवान के बेटे हैं उनको बहुत ही सुंदर तरह से दिखाया गया है। ब्रह्मा जी की भांति उनके भी तीन मुंह दिखाए गए हैं और उन्हें मोर जो कि उनका वाहन है उन पर बैठे हुए बनाया गया है। मोर के पंख बहुत ही सुंदर तरह से दर्शाए गए हैं। अंदर रोशनी कम होने के कारण यहाँ पर वीडियोग्राफी करना बहुत ही मुश्किल था। मुरुगन के बगल में एक और जगह पर छोटा सा मंदिर था, वहां पर हमें गणेश जी की एक बहुत ही बेहद खूबसूरत मूर्ति जिसमें बहुत ही महीन नक्काशी की गई है वह मिली। यह मूर्ति भी काले पत्थर की बनाई गई है और उनके हाथ में एक गड़सा जैसा कुछ दिखाया गया है। उनके बड़े बड़े आँख बनाए गए हैं और उनके पेट पर एक सांप को हम देख पाते हैं। गणेश जी के बगल में ही एक पैनल पर सप्त मातृकाओं की हमें एक बहुत ही सुंदर मूर्ति मिली। यहाँ पर सप्त मातृका जो कि अलग अलग देवों की अर्धांगनियाँ हैं उनको बनाया गया है और हर सप्त मातृका अपने वाहन के ऊपर बैठी हुई दिखाई देती है। यहाँ पर सप्त मातृका के साथ गणेश जी को भी दर्शाया गया है। सप्त मातृका को पहचानने के लिए हमें उनके वाहन को देखना पड़ेगा या फिर उनके हाथ में जो वस्तु या यंत्र हैं उन्हें देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि वे कौन सी सप्त मातृका हैं। मंडप की अंदर वाली छत बहुत ही सुंदर तरह से बनाई गई थी और यहाँ पर बहुत ही महीन और डिटेल्ड नक्काशी बनाई गई है। यहाँ पर हमें अष्ट दिक्पाल अलग अलग दिशाओं के डायरेक्शनल गॉड्स मिलते हैं और बीच में नवग्रह को भी बड़ी सुंदर तरह से बनाया गया है। अंदर कम रोशनी होने के बावजूद हमने कोशिश करी है कि इस मंडप की सीलिंग पर जो सुंदर आकृतियाँ बनाई गई हैं वे आप तक लाने का प्रयास करते हैं। भारतीय मंदिरों के अंदर अंधेरा बहुत अधिक होता है और धुआं भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके कारण यहाँ पर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। अधिकतर मंदिरों में तो बड़ी मुश्किल से ही वहाँ के पुजारी वीडियो बनाना अलाउ करते हैं। इस मंदिर के अंदर के मंडप में जो चार खंभे बने हैं वे लेथ कट पिलर्स हैं, लेकिन उनके ऊपर जो महीन नक्काशी की गई है इतनी सुंदर नक्काशी प्राय हमें किसी और मंदिर में नहीं मिली। यहीं पर ऊपर जो खंभे के ऊपर जो ब्रैकेट्स बने हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के प्राणियों को बनाया गया है, मिथिकल क्रीचर्स को बनाया गया है। यहाँ पर हम उसी तरह का एक मिथिकल क्रीचर देखते हैं जो कि शेर की आकृति में बनाया गया है और उसका जो सिर है शेर की भांति बना है। ये खंभे के ऊपर के भाग में बहुत ही सुंदर छोटी छोटी बहुत ही महीन नक्काशी की गई है और हमने कोशिश की है इस महीन नक्काशी को किसी तरह से वीडियो के द्वारा कैप्चर करके आप तक पहुंचाने की। यह उसी खंभे का पास से लिया गया दृश्य है। नीचे का जो सेक्शन है स्क्वायर है, बीच वाला सेक्शन सर्कुलर है और उसके ऊपर बहुत ही महीन नक्काशी का नमूना हम देख रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि धागे की बहुत सारी मालाएं लटका के यह सुंदर खंभे पर नक्काशी की गई है। यह उसी नक्काशी का बहुत पास से लिया गया दृश्य है। यहाँ पर
हम अलग अलग देवों को उनके वाहन पर बैठा हुआ देख पाते हैं। कहीं पर इंद्र को बनाया गया है, कहीं पर कृष्ण भगवान को बनाया गया है, और इस तरह से हमें जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं उनके यहाँ पर बहुत सुंदर तरह से बनाया गया है। खंबे के पीछे के भाग में कुछ जगह पर जगह खाली थी और वहाँ पर शायद समय के अभाव के कारण इस खंबे पर सारी की सारी मूर्तियाँ नहीं बनी हैं, कुछ भाग को खाली छोड़ दिया गया था। हम फिर बता दें, मंडप में रोशनी बहुत कम है और बड़ी मुश्किल से हम इस खंबे की सुंदर अलंकरण का वीडियो बना पाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि मंदिरों की बहुत ही बारीक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए, ताकि हमारे वीडियो को देखकर अगर आप अपने घर में भी बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस मंदिर के अंदर ही मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इसी मंदिर के खंभे के ऊपर कुछ ब्रैकेट्स बनाए गए थे जहां पर बहुत ही सुंदर शिला भंजिका या फिर सुंदर स्त्रियों को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। उनके शरीर को बहुत ही चिकनाहट और सुंदरता से बनाया गया है और अधिकतर स्त्रियों को नग्न दिखाया गया है। उनके वक्ष और कमर वाले हिस्से पर बहुत सारे आभूषण बनाए गए हैं। इन मूर्तियों को देखकर हमें बेलूर में बने चिन्ना केशवा मंदिर की सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों की याद आती है। इस मंदिर में अधिकतर शिला बालिकाएं की जो मूर्तियां हैं वह ठीक अपने कॉलम के ऊपर ही रखी गई हैं। यहाँ के पुरोहित ने हमें बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पर 2 शिला बालिकाओं की मूर्तियों की चोरी हो गई थी और वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। इस मंदिर में आने के बाद हमें दोनों तरह की फीलिंग्स हुई, देखने में बहुत अच्छा भी लगा, साथ में बहुत बुरा भी लगा। यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहीं पर एक छोटा सा स्टेपवेल था जिसे हम एक छोटी पुष्करणी कह सकते हैं, और यहाँ पर भी रखरखाव की काफ़ी कमी मिली और बहुत सारे पेड़ उगाए थे। यह मंदिर के बाहरी दीवार का दृश्य है जो कि दूसरी तरफ की दीवार है। यहाँ पर स्त्रियों के बहुत ही सुंदर शरीर को दर्शाया गया है और यहाँ पर जो स्त्री दिखाई गई है उनके शरीर पर पेड़ की बेलें उनके शरीर से लपटी हुई हैं। एक और स्त्री बगल में बनाई गई हैं जो कि जिसे हम दर्पण सुंदरी कह सकते हैं, और वे अपने मुख को दर्पण में देख रही हैं। यहाँ पर वराह अवतार को दिखाया गया है और उनके कंधे पर हम भू देवी को देख सकते हैं। उनके हाथ में एक शंख बनाया गया है और नीचे 2 नाग देवताओं को दिखाया गया है। यहाँ पर हमें हिरण्यकश्यप को देखते हैं, जहाँ पर विष्णु जी का नरसिंह अवतार दिखाया गया है जिन्होंने हिरण्यक नाम के दैत्य को का वध किया था। यहाँ एक और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मंदिर की बाहर की दीवारों पर बहुत ही सुंदर तरह से बनाई गई है। धीरे धीरे करके ये सारी मूर्तियाँ खराब होती जा रही हैं, क्योंकि इस मंदिर पर शायद किसी भी सरकारी संस्था का ध्यान नहीं गया है। इस मंदिर में बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोग इस मंदिर के विषय में जानते हैं। यहाँ पर हमें एक स्त्री नजर आ रही है और इनके पैर की जो पादुकाएं हैं, इनके पैर के जो सैंडल हैं, उनकी मोटाई को देखो। इन मोटाई को देखकर हमें जो आजकल के छोटे लड़कियां होते हैं वो जिस तरह की पोशाक सैंडल या जूते पहनते हैं, उसी तरह के जूते आज से 1200 साल पहले भी पहने जाते थे, ये मूर्तियां हमें यह सब बताती हैं। यह जो एक दृश्य है, यहाँ पर हमें शंकर भगवान नजर आते हैं जो कि एक दैत्य जो कि हाथी के रूप में था उनके शरीर में जाकर उनका उन्होंने वध किया।
यह था हमारा छोटा सा प्रयास भारत के कुछ जाने अनजाने मंदिरों को आपके सम्मुख लाने का। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, अगर आप टिप्पणी में बताएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। क्या आपने कभी किक्केरी नाम की जगह, जो कि मांड्या जिला कर्नाटका राज्य में है, उसके विषय में कभी सुना था? यहीं पर एक कोने में बहुत सारे नाग देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली और कुछ नाग देवता तो बहुत ही विशालकाय रूप में दिखाए गए थे। आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा, अगर आप टिप्पणी में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी।